हेलो फ्रेंड्स, सूर्य नर्सरी की यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज हम हेमिग्राफिस अल्टरनेटा के प्लांट्स के बारे में बात करेंगे। हेमिग्राफिस अल्टरनेटा को पर्पल वॉल प्लांट, रेड आईवी, रेड फ्लेम आईवी, सेमेट्री प्लांट, मेटल लीफ जैसे नामों से भी पहचाना जाता है। हेमिग्राफिस अल्टरनेटा को नर्सरी वाले और कस्टमर्स शॉर्ट में हेमिग्राफिस के नाम से पहचानते हैं। हेमिग्राफिस के पत्तों की अगर हम बात करें तो उसके पत्ते नॉर्मल हार्ट शेप जैसे होते हैं। पत्तों का बाहर का हिस्सा नीम के पत्तों जैसा होता है। हेमिग्राफिस के पत्तों का ऊपर का हिस्सा थोड़ा सा पर्पल और सिल्वर कलर जैसा होता है और पत्ते का नीचे का हिस्सा डार्क रेड कलर जैसा होता है। यह पौधा ज़्यादा बड़ा नहीं होता है, उसकी वजह से हम किसी भी टाइप के पॉट में इसे ग्रो कर सकते हैं। हेमिग्राफिस आमतौर पर आधे से पौने फीट लंबा होता है और एक से दो फीट चौड़ा तक फैलता है। पौधे की विकास दर मध्यम से तेज होती है। जैसे जैसे यह पौधा बढ़ता है, यह दांतेदार और जूझीदार पत्तियों के साथ रंगीन विभिन्न प्रकार के पत्ते विकसित करता है। पत्तियों के ऊपर के हिस्से में एक समृद्ध हरा रंग होता है, जबकि नीचे के हिस्से में एक तीव्र लाल रंग का समृद्ध बैंगनी रंग होता है। तो फ्रेंड्स, यदि हेमिग्राफिस के पौधे की बेसिक इन्फॉर्मेशन, अब हम इसकी केयरिंग की बात करते हैं। तो फ्रेंड्स, हेमिग्राफिस के पौधे को उगाते समय वेल ड्रेन सॉइल ही पसंद करें, क्योंकि हेमिग्राफिस के पौधे को ज़्यादा पानी पसंद नहीं है। अगर पानी पॉट में भरा ही रहेगा तो पौधे की जड़ें सड़ जाएगी और पौधा सूख जाएगा। तो फ्रेंड्स, इस चीज़ का खास ध्यान रखें कि पौधे को उगाते समय वेल ड्रेन मिट्टी ही पसंद करें, ताकि जो पानी है वो ज़्यादा पानी का ड्रेनेज हो जाए। तो फ्रेंड्स, इस चीज़ का खास ध्यान रखना चाहिए। सर्दियों के मौसम में मिट्टी सूखने में समय लगता है, उसकी वजह से सर्दियों में मिट्टी को थोड़ा सूखने के बाद ही पानी देना चाहिए, और गर्मी के मौसम में पानी जल्दी से सूख जाता है। तो फ्रेंड्स, जब पानी सूख जाए तब तुरंत ही उसको पानी दे देना चाहिए। तो फ्रेंड्स, अब हम इसके सनलाइट की बात करते हैं। तो हेमिग्राफिस के पौधे को सीधी धूप आए ऐसी जगह पर कभी नहीं रखना चाहिए। ऐसा करने से ये पौधा अपने पत्तों की चमक को खोना शुरू कर देता है। हेमिग्राफिस के पौधे को इनडायरेक्ट सनलाइट मिले ऐसी जगह पर ही इसे रखना चाहिए, या फिर दिन के शुरुआत के 4 से 5 घंटे की धूप आए ऐसी जगह पर रखना चाहिए। अगर हम ऐसा नहीं करेंगे तो उससे पत्ते का जो कलर्स है वो हम जैसा चाहते वैसा नहीं पा सकेंगे, और उसकी जो पत्तों की चमक है वो अच्छे से नहीं हो पाएगी। तो फ्रेंड्स, ये थी सनलाइट की बात। अब हम इसके फर्टिलाइज़र की बात करते हैं। तो फ्रेंड्स, इसको धीमे खुराक मिले ऐसा फर्टिलाइज़र चाहिए। तो फ्रेंड्स, इस पौधे के लिए वर्मी कंपोस्ट या फिर किसी भी टाइप का ऑर्गेनिक खाद ही पसंद करें, ताकि इसकी जो ग्रो है वो अच्छे से हो सके। तो फ्रेंड्स, ये थी खाद की बात, फर्टिलाइज़र की बात। अब हम इसके जो पेस्ट कंट्रोल है उसके बारे में बात करते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर इस पौधे पर कभी भी किसी भी टाइप की फंगस या फिर वाइट फ्लाई या फिर वाइट बग का अटैक होता है, तो तुरंत ही इसके ऊपर नीम ऑयल का स्प्रे करें, ताकि अपने पौधे को हम बिगड़ने से बचा सके। तो फ्रेंड्स, ये थी केयरिंग की बात। अब हम ये पौधा कहाँ पर कैसे लगा सकते हैं इसके बारे में बात करेंगे। तो फ्रेंड्स, ये पौधा कहीं भी किसी भी तरह के गमले में बहुत ही अच्छे से सर्वाइवल हो जाता है। और फ्रेंड्स, ये पौधा हैंगिंग में उगाने से हैंग होता है, बिल की तरह हैंग होता है, तो उसकी वजह से ज़्यादातर लोग इसको हैंगिंग बास्केट, हुक पॉट और वर्टिकल वॉल तैयार करते समय इसको ज़्यादा उगाते हैं। तो फ्रेंड्स, अभी हम इसको हमने एक हैंगिंग बास्केट और एक प्लांट्स को हमने हुक पॉट्स में लगाया हुआ है।
तो इसको अब हम दिखाते हैं। तो फ्रेंड्स ये देख सकते हैं आप, अभी हमने एक प्लांट्स को पॉट में लगाया हुआ है, ये बहुत ही अच्छे से ग्रो हो गया है। तो फ्रेंड्स इस तरह से आप भी इसको पॉट में लगा सकते हैं। तो फ्रेंड्स अब ये आप देख सकते हैं कि हमने इसको हैंगिंग बास्केट में लगाया, बहुत ही सुंदर दिखता है। तो फ्रेंड्स आप भी इसको हैंगिंग बास्केट में उगा सकते हैं इस तरह से। तो फ्रेंड्स हेमी ग्राफिक्स के पौधे के बारे में हमारे द्वारा दी गई जानकारी अगर आपको अच्छी लगे तो हमारे वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर देने का, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और पास में दिए गए हुए बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर देने का, ताकि हमारे ऐसे ही यूज़फुल वीडियोज़ आपको मिलते रहे। धन्यवाद।